कोरोना काल में बंद संपूर्ण समाधान दिवस का शासन के निर्देश पर एक बार फिर से आयोजन शुरू हुआ, लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस के दिन में परिवर्तन किया गया है। जहां पहले तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन पहले और तीसरे मंगलवार को तहसीलों पर किया जाता था, वहीं अब शासन के निर्देश पर माह के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस और दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत महीने के तीसरे शनिवार को सदर तहसील के संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन प्रभारी एसडीएम सदर अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में किया गया, जिसके संबंध में प्रभारी एसडीएम सदर अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर तहसील दिवस में आए तथा 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार तहसील दिवस शनिवार को आयोजन हुआ है, जिससे ज्यादातर लोगों को जानकारी ना होने के कारण आ नहीं पाए तथा सुबह से बारिश भी हुई है, यह भी एक कारण है। उन्होंने बताया कि पहले तहसील दिवस मंगलवार को आयोजित था, लेकिन शासन ने बदल कर शनिवार कर दिया है, जिसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर तहसील दिवस में आकर अपने समस्याओं का निस्तारण करा सकें। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, न्यायिक तहसीलदार सुनीता गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी एसडीएम सदर अरुण कुमार मिश्रा ने कहा, समय बाद जो लॉकडाउन पीरियड है उसके बाद तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन यहाँ पे हुआ है, और इसमें अभी तक कुल 5 मामले आए हैं, जिसमें से 2 निस्तारित भी कर दिए हैं। क्या कारण के मामले कम आ रहे हैं? अभी लोगों के संज्ञान में कम है, ये कल सर्कुलर आया है इसका, तो आज इसको सेट, पहले ये मंगलवार को आयोजित होता था प्रथम और थर्ड, अब ये सैटरडे शिफ्ट किया गया है, ये सर्कुलर कल आया है, तो लोगों को जानकारी अभी कम है और इसको हम प्रचारित कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी।